हेलो गाइस और स्वागत है हमारे एक और वीडियो और आज के इस वीडियो में हम एकदम नए बॉलीवुड मूवी ब्रह्मास्त्र को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र को लेकर डिस्कस करने के साथ ही साथ हम थोड़ा ट्रेलर ब्रेकडाउन भी करेंगे और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं इस मूवी से वो भी हम देखेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं पहले ही बता दूं, ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल भी एवेंजर्स या एमसीयू से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये करना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा ट्रेलर और जो जो चीज हम जानते हैं उन चीजों को लेके बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मास्त्र के साथ ही बॉलीवुड एक नए सुपर पावर और मिस्टिकल सिनेमेटिक यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है अस्त्रवर्स। मगर इसे सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स कहना कुछ ठीक नहीं होगा, मतलब कहा तो जा सकता है मगर इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने खुद कहा है कि ये कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है। तो हम एज व्यूअर्स हमें डायरेक्टर की पर्सपेक्टिव से इस मूवी को रखना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपने व्यूज़ और पर्सपेक्टिव्स को भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस मैटर पर ये पूरी फिल्म बेस्ड है, मेरा मतलब कि इंडियन रिलीजन पर, वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हमारे रिलीजन में बहुत लोग अभी भी है जो लाइक अमेरिकन या ग्रीक और रोमन्स की तरह उतने फ्री माइंडेड नहीं है अपने गॉड्स के साथ। इसीलिए बहुत लोग इस मूवी को मिसजज भी कर सकते हैं अगर सुपर हीरो वर्ल्ड को घुसा दो। तो अब थोड़ा ट्रेलर पे आते हैं। ये मूवी एक अस्त्रवर्स मूवी होने के नाते ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे वेपन्स या अस्त्र हम देखते हैं जिनके अलग अलग पावर्स होते हैं। स्टार्टिंग ही होता है एक कड़े के साथ जिसे हमारे नागार्जुन साहब ने पहना हुआ है और उसे नंदी अस्त्र भी कहा गया है और वो एक ब्लू कलर का ऑरा इमिट करता है और वो ऑरा एक नंदी जी की तरह बुल में ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्रक को टक्कर मार के पूरा उल्टा देता है। फिर हम एक दूसरे अस्त्र को देखते हैं जो कि जल या पानी को कंट्रोल कर सकता है और वो किसी एक औरत के पास है, मगर हम उनके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाते कि वो औरत आखिर में है कौन। फिर इसके बाद हम एक पंछी को देखते हैं जिसके बैकग्राउंड में वायु कहा जाता है, तो ये प्रोबेबली कोई वायु अस्त्र होगा, मगर वो पंछी आग की क्यों है वो हमें नहीं पता। देन हमें एक मस्त कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसके हाथ में हमारे शिव जी का त्रिशूल है और ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये कैरेक्टर हमारे शाहरुख खान प्ले करने वाले हैं। अब इस ट्रेलर में ऐसा बोला जा रहा है कि जितने भी ये सब अस्त्र हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये हमारे अर्थ पर बहुत ही सालों से मौजूद है। इन अस्त्रों का इतना ज़्यादा पावरफुल होने के कारण एंड जिससे कि ये गलत हाथों में ना पड़े, इसीलिए उन अस्त्रों के लिए प्रोटेक्टर्स या फिर गार्डियंस को अपॉइंट किया गया है, यानी कि काफ़ी सेंचुरी से इन अस्त्रों का कोई ना कोई गार्डियन है एंड इसी को हम इस शॉट पर देख भी सकते हैं जब इन सब लोगों के हाथ में कोई ना कोई अस्त्रों को उन्होंने पकड़ के रखा है। इसके बाद ही हम मौनी रॉय के कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर उसके एल्बो पर एक रेड कलर का अस्त्र है और हाँ, एक त्रिशूल को भी देखते हैं जो कि रेड कलर का किसी इलेक्ट्रिक टाइप का ऑरा इमिट कर रहा है। देन हम एक शील्ड वाले अस्त्र को देखते हैं जिसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो एक हाथी का फॉर्म ले लेता है, तो शायद ये गणेश अस्त्र हो। देन इसके अगले ही वाले सीन में जो हमने देखा वो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी अपने पैर पर एक कुंडल या ब्रेसलेट पहन के रखता है और वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके हवा में उड़ जाता है और हमारे बजरंग बली का फॉर्म में आ जाता है। देन इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन सभी अस्त्रों में जो सबसे ऊंचा और सबसे पावरफुल है वो है ब्रह्मास्त्र, जिसका हम एक झलक ट्रेलर में भी देख सकते हैं और वो एक गोल आकार की है और ऐसा बोला जा रहा है कि इसका इतना पावरफुल होने के कारण ही इसे तीन भाग में पूरे दुनिया में छुपा दिया गया है और ये मूवी उन्हीं पार्ट्स को इकट्ठा करने के ऊपर बनी है। देन इसके बाद हम रणबीर कपूर को देखते हैं जो इस मूवी में शिवा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और जो एक डीजे भी है, तो रणबीर
या शिवा दशहरा में आके कुछ गाना वाना बजा रहा था कि उसी वक्त उसका आलिया भट्ट के साथ मुलाकात होता है, जो कि इस मूवी में ईशा का रोल प्ले कर रही है, और फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। और हमें इसी सीक्वल में पता चलता है कि शिवा का आग के ऊपर कंट्रोल है, या फिर वो आग को कंट्रोल कर सकता है। मेरा मतलब है कि सब ठीक ही तो था, लव को क्यों घुसा दिया भाई? बट ये प्यार के चक्कर में हमेशा काम फालूदा ही होता है। इन सब के चक्कर में कुछ क्लाइमैक्स में शिवा को कुछ हो ना जाए यार। एनीवेज, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। चलो देखते हैं मूवी में आखिर होता क्या है। नेक्स्ट सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद शिवा को भी वो मौनी रॉय अपने साइड को, मतलब बुरे साइड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी। और फिर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके पास में सारे अस्त्र हैं, और वहाँ पर हमारे अमिताभ सर भी मौजूद है। एंड यहाँ पर मुझे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक टीचर या गाइड का रोल प्ले करेंगे, जो बहुत कुछ जानते हैं इन अस्त्रों के बारे में, और उनके पास इन अस्त्रों के ऊपर भी बहुत नॉलेज है। लेकिन वो खुद भी एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी किसी टाइप का अस्त्र है जो एक छुरे टाइप का, तो शायद वो खुद भी एक अस्त्र के गार्डियन होंगे। इसके बाद हम सौरभ गुजर का कैरेक्टर भी देखते हैं, जिसके पीछे नंदी जी की तरह ही एक बुल है, और वो एक रेड कलर का ऑरा एमिट कर रहा है, जो कि मौनी रॉय जो दमयंती का कैरेक्टर प्ले कर रही है इस मूवी में, उसके ऑरा के साथ मिलता है, मतलब रेड कलर का ऑरा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी बोल रहा है कि इतनी VFX की ज़रूरत क्या है मूवी में, तो देखो ये मूवी कैरेक्टर्स से भी ज़्यादा अस्त्रों के ऊपर, तो हर एक अस्त्र को सिग्निफाई करने के लिए उनके अलग अलग कलर और ऑरा इमिट करके, और उसके साथ ही उन अस्त्रों के देवता को दिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये सब दिखाने के लिए VFX का होना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। देन अभी ही सीन में हम देखते हैं शिवा को, जिसने शायद अपने पावर्स के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि इन्हीं का इस्तेमाल करके शिवा एक फायर सॉर्ड जैसे वेपन को कंज्योर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अग्नि अस्त्र है। अब मुझे और बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि शिवा यहाँ पर शिव जी का एक अवतार होने वाले हैं, मगर ये ट्रेलर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड मुझे पहले लग रहा था कि इस ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील कर दिया, मगर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी में अभी भी बहुत कुछ है जो हम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही शिवा को हम वो आग वाली तलवार को एक गदा में ट्रांसफॉर्म करते देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रणबीर कपूर के पास या फिर शिवा के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर अस्त्र नहीं होने वाला है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा है ट्रेलर में कि शिवा खुद एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र, जो अपने वेपन को किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देन इसके बाद हम काफ़ी और अस्त्रों को देखते हैं, लाइक जो एक शील्ड बना देता है, तो शायद वो गणेश अस्त्र होगा जैसा मैंने पहले भी बोला था। देन कोई अपने अस्त्र को यूज़ करके टेलीकाइनेटिक पावर्स को भी यूज़ करते हम देखते हैं, और फिर हम एक बो को देखते हैं जिसमें से सांप निकल रहा है ग्रीन कलर के, तो ये प्रोबेबली नाग अस्त्र हो सकता है। अब नाग अस्त्र इस्तेमाल रामायण और महाभारत दोनों में हो चुका है, हम फिर से एक बार नागार्जुन को अपना अस्त्र यूज़ करते हुए देख सकते हैं। फिर ट्रेलर के लास्ट सीक्वेंस में हम बहुत डिस्ट्रक्शन देखते हैं, आलिया और रणबीर दोनों के कैरेक्टर्स जो कि फंसे हुए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब को ओवरकम करेगी द पावर ऑफ लव। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, और वो है कि इस मूवी से आप लोग सभी कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा है कि मूवी बुरी हो सकती है, इसीलिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग इस मूवी को एक माइथोलॉजी मूवी के रूप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कोई इसे एक सुपर हीरो मूवी समझ के भी देखने जा सकते हैं। देखो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इसीलिए इस मूवी को समझने के लिए आप लोग एक फ्री माइंड रख के इस मूवी को देखने जाए। ऑलरेडी बहुत लोग ट्विटर पर इस मूवी को एक कॉपी बोल रहे हैं, एंड हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है,
एंड पता नहीं और लोग क्या क्या बोल रहे हैं एंड कर रहे हैं ट्विटर पर। ये मूवी तो निकली भी नहीं अभी तक हॉल में, तो फिर क्यों बॉयकॉट करना। एंड ये मूवी किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं है, और इसे वैसा मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोलूँगा, कोई भी सुपर हीरो मूवी चाहे वो मार्वल हो चाहे वो डीसी हो या व्हाटएवर हो कंपेयर मत करो। ये एक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड मूवी है तो इसे वैसा ही रखो प्लीज़। ये मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो इस मूवी को कंपेयर कर रहे हो या सोच रहे हो कि ये मूवी बहुत ही ख़राब होगी। मैंने रिसेंटली ट्विटर पर देखा कि बहुत लोग हमारे त्रिशूल को एक्वामैन से कंपेयर कर रहे हैं, फिर दमयंती कैरेक्टर को स्कारलेट विच से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, फिर वो कैरेक्टर फिर भी मैं मान सकता हूँ कि स्कारलेट विच जैसा लग रहा है, मगर फिर हमारे गदा को थॉर के हैमर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखो, ये सब सोशल मीडिया में मीम्स है जो फैल रहे हैं, इनको मतलब टॉक्सिक तरीके से मत लो कि इसे हम एक कॉमिक कैरेक्टर के साथ या फिर उनके वेपन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे माइथोलॉजी है, उन मीम्स को मीम्स की तरह ही लो, उनको दिल पे मत लो। वो कुछ लोगों ने शायद मजाक करने के लिए बनाया है, उनको देखकर आप लोग प्लीज़ बह मत जाओ। आप लोग बस इस मूवी को एक चांस दो, इस मूवी को एक बार ट्राई करो, देखो कि कैसा लगता है। पहले ही उन मीम्स को देख के या फिर दूसरे लोगों का बात सुन के आप लोग बह मत जाओ। लास्ट एक चीज़ बोल के मैं ये वीडियो को एंड करूँगा, वो है कि जो भी लोग ब्रह्मास्त्र को बोल रहे हैं कि ये मूवी हमारे रिलीजियन को अपोज कर रहा है, तो देखो, ब्रह्मास्त्र मूवी इंडियन रिलीजियन को सपोर्ट करता है इन अस्त्रों को दिखा के। मतलब ये मूवी डायरेक्टली बताता है कि रामायण या महाभारत में जो भी अस्त्र इस्तेमाल किए गए थे वो सब एग्जिस्ट करते थे। मतलब रामायण और महाभारत असल में हुआ था। तो ये मूवी इंडियन रिलीजियन को अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट करता है, और ये चीज़ देखकर मतलब ये मूवी देखकर बच्चों को भी इंडियन रिलीजियन और माइथोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा और भी ज़्यादा, ऐसे कलरफुल सिनेमाटोग्राफी देख। ये मूवी सब लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। ऑल आई वॉन्ट टू से इज प्लीज़ गिव दिस मूवी अ चांस, एक चांस दो इस मूवी को एंड बॉलीवुड को सुधारने के लिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी को इन मीम्स के ज़रिए मिसजज मत कर लेना। ऐसा सोचो कि आज कुछ नया टाइप का चीज़ देखेंगे, तो ज़रूर आप लोग इस मूवी को बेटर समझ पाओगे और डायरेक्टर क्या बताना चाहता है या फिर क्या कहना चाहता है आप लोग बेटर फील कर पाओगे। तो आप लोगों का क्या ख्याल है या व्यूज़ है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और इसके साथ हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।